अगर आप बीएससी कोर्स करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप बीएससी का कोर्स कर रहे हैं और आपको जानना है कि बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीएससी के बाद 30 से ज़्यादा ऐसी सरकारी नौकरी जो कि आप कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर दो ही चार के बारे में जानते हैं, लेकिन दोस्तों 30 से ज़्यादा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि एक बीएससी स्टूडेंट कर सकता है और सभी की सभी सरकारी नौकरी है। सिर्फ मैं सरकारी नौकरी के बारे में बात करूंगा जिसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी और जिसमें आपको सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो दोस्तों अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, अगर आप 12 के बाद बीएससी का कोर्स कर रहे हैं जो कि 3 साल का होता है, आपको पता ही है जब आप बीएससी कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि अपनी पीजी कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये होते हैं कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो बताऊंगा ही, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब भी हैं जिसमें आपको कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप थोड़ा सा उस पर मेहनत कर लेते हो तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन हैं आपके पास। इस वीडियो में आपको सिर्फ नाम बताते जाऊँगा, अगर आपको किसी के बारे में डिटेल जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो गाइस, अगर आपको डिफेंस में जाना है, यानी कि अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है या फिर आपको एयरफोर्स में जाना है, तो दोस्तों आप एलिजिबल हो, आप तीनों में से किसी में भी जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हो तो हो सकता है कि आपकी एज खत्म हो जाए, या फिर अगर आपकी एज है तब आप इसमें जा सकते हो। तो एज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी इन तीनों में से किसी में भी करियर बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, या फिर आप पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, या फिर दोस्तों आप पुलिस कॉन्स्टेबल बन सकते हो। इसके अलावा आपको और बड़े पद पर जाना है, यानी कि आपको और नाम और शोहरत कमाना है, तो दोस्तों आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। यूपीएससी के बाद दोस्तों आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, आप आईएफएस ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं जिसमें बहुत अच्छी सैलरी हो और बहुत तरह की सुविधाएँ हो और यूपीएससी जितना टफ भी ना हो, तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हो। एसएससी सीजीएल को मिनी यूपीएससी कहा जाता है, इसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप एसएससी सीएचएसएल को भी क्रैक कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको टफ भी नहीं होता, क्योंकि ये 12th लेवल पर एग्जाम होता है, तो हो सकता है कि ये आपके लिए क्रैक करना इजी हो। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो दोस्तों आप रेलवे डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराता है। जी हाँ दोस्तों, आप रेलवे में टीटी बन सकते हो, आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बन सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ दो ही के नाम लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं रेलवे में जो कि एक बीएससी स्टूडेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने का जो कि हमेशा से डिमांडिंग रहता है, तो जी हाँ दोस्तों आप बैंक पीओ बन सकते हैं। उसके अलावा आप बैंक क्लर्क बन सकते हैं। अगर आप बैंक पीओ बनते हैं तो दोस्तों आपकी सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी और बैंक की तरफ से आपको तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो दोस्तों आप लॉयर बन सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं। लॉयर अलग होता है, एडवोकेट अलग होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होते। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो एक बार चेक कीजिए, सभी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, उसके बाद कुछ टाइम का एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है तो दोस्तों आप जज बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है, जिस तरीके से बैंकिंग हमेशा डिमांडिंग में रहता है, उसी तरीके से दोस्तों टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हमेशा डिमांड में बना रहता है। तो दोस्तों अगर आपको टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना है तो दोस्तों आप टीचर बन सकते हैं, आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं, आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं, यानी कि क्लास 11th और क्लास 12th के टीचर बन सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको और आगे जाना है तो दोस्तों आप कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएससी के बाद आपको और आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी।
इसके अलावा और कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शन के बारे में बात करिए तो दोस्तों, अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है तो दोस्तों आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको PhD करनी पड़ेगी। आप इसरो में DRDO में जॉब पा सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन कम है, जिसमें भीड़ भाड़ कम है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हैं। जी हाँ, आप VDO बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप RTO ऑफिस में जॉब पा सकते हैं। RTO ऑफिस में भी बहुत तरह की पोस्टिंग होती है, तो उसमें जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप IB ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप BSc AG के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों इसमें भी करियर के बहुत सारे स्कोप हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप LIC AO बन सकते हैं। LIC में बहुत तरह की वैकेंसी आती है जिसमें एक LIC AO होता है। इसके अलावा और भी तमाम तरह की वैकेंसी जाती हैं। अब कुछ और करियर ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ जिसमें भीड़ बहुत कम है और आपको कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इनमें से किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं तो सबके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए howtobecomeinindia.in, आयुश्रीन वेबसाइट मिल जाएगी। बहुत सारे आर्टिकल आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। या फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा। सर्च बॉक्स में आपको जिससे भी रिलेटेड आर्टिकल चाहिए आप वहाँ पे डालेंगे, उससे रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा। मान लेते कि आपको IB ऑफिसर बनना है तो आप IB ऑफिसर लिखिए। आपको लॉयर बनना है तो आप लॉयर लिख के सर्च कीजिए। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंटिस्ट लिख के सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा। पूरे डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस A to Z बताए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उस अकॉर्डिंग दोस्तों आप आगे अपना स्ट्रेटेजी बनाएगा, उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, तो सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि अब कुछ और ऐसे करियर ऑप्शन जिसमें और कॉम्पिटिशन कम है, तो दोस्तों आप लेखपाल बन सकते हैं। जी हाँ, आप पटवारी बन सकते हैं। पटवारी को ही लेखपाल UP में बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप तहसीलदार बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब होती है, इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है और आपको इसमें आराम भी बहुत मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप BSc Bio के स्टूडेंट हैं तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन के भी अपना करियर संवार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप ट्रैफिक पुलिस बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि इतने सारे करियर ऑप्शन हैं, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप एक डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप जो भी सोचोगे आप वो जरूर कर लोगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, जितने भी मैंने बताया सब गवर्नमेंट जॉब है, और आपको भी पता है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो उसमें दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और एग्ज़ाम में आपको मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, GK करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे GK और करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डेली पूछते रहते हैं और आपको कंटेंट देते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और इतना ही नहीं, हर एक संडे को हम टेस्ट लेते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सके कि हाँ आपको कितनी चीज़ें पता है, आपको कितनी चीज़ याद आ रही है। तो दोस्तों, इसकी वजह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आप ये सारा कुछ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा सकते हैं। फिर आप टेलीग्राम पर जाके आयुष रीना सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आप क्या बनना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वो पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए howtobecomeinindia.in, गूगल पे जाके सर्च कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।